रेप किया कई दो व्यक्तियों ने। उसके बाद इसकी वीडियो भी बना ली और वीडियो बनाकर इसको कहा गया कि तुम अगर घर में बताओ कि तुम्हें मारेंगे और तुम्हें इस बुरे फैला देंगे। समाजवादी पार्टी का सचिन से सामने आ रहा है क्योंकि वो सांसद के बहुत ही करीबी हैं। कि हमारे खिलाफ पूरा समाज है, सारे समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि सब लोग इस बेटी के साथ खड़े हो जाइए। मतलब बड़ी शर्म की बात है, एक छोटी बच्ची जो 12 साल की भी नहीं हुई है पूरी, उसके साथ इस तरह का हादसा करते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। चौकी इंचार्ज और वहाँ के SHO हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया गया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कल अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद यादव का पुतला फूंका है। आई हूँ इस बच्ची की जांच करने के लिए कि इस बच्ची के साथ कैसे क्या हादसा हुआ, लेकिन वाकई में बड़ा दुख हुआ है कि बच्ची खेत में अपने काम करती थी और खेत में काफी समय से वो लोग इसको ताड़ रहे थे, तो इसको किसी बिस्किट का बहाना दिया, आओ तो बिस्किट देते हैं। उसके बाद इसके साथ रेप किया करीब दो व्यक्तियों ने। उसके बाद इसकी वीडियो भी बना ली और वीडियो बनाकर इसको कहा गया कि तुम अगर घर में बताओ कि तुम्हें मारेंगे और तुम्हें इस बुरे फैला देंगे। इस बच्चे के साथ कई बार उन्होंने गलत कार्य किया। उसके बाद जब ये पता चला उस तब इसके एक कंप्लेंट, लेकिन वाकई में ये समाजवादी पार्टी का सचिन से सामने आ रहा है क्योंकि वो सांसद के बहुत ही करीबी हैं। सब जानते हैं कि वो सांसद का करीबी है, ये उनका चरित्र है, ये उनका सामने आ रहा है। मतलब शर्म नहीं आ रही एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह से हादसा करते हुए, और वो बच्ची 2-2.5 महीने से प्रेग्नेंट भी हो गई। मतलब बड़ी शर्म की बात है, एक छोटी बच्ची जो 12 साल की भी नहीं हुई है पूरी, उसके साथ इस तरह का हादसा करते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। ऐसे लोगों को तो बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो पकड़े भी गए हैं और हमारे यहाँ से जो भी हमारी सरकार करेगी वो अच्छा करेगी। अब से कम इन लोगों को इनकी सजा जरूर मिलेगी और इस बच्ची का पूरे ही रक्षा संरक्षण जो है हम लोग स्वयं करेंगे, हमारी सरकार करेगी, बाल कल्याण समिति करेगी। अगर ऐसा है, कंप्लेन है, तो हम उसकी भी जाँच करवाएंगे, अवश्य जाँच करेंगे कौन सी बच्ची और पीड़ित रही है, कैसे रही है, उसकी पूरी जाँच होगी। अब वो पकड़े गए उनके विषय में सारी जांच होगी। ये उनका साफ साफ उनका चाल चलन चित्र सामने नजर आ रहा है कि कैसे कैसे लोग उनके पास है, कैसी कैसी समाजवादी पार्टी के सांसद के बहुत करीबी है, उनकी फोटोएं भी सब वायरल हो रही है कि वो सांसद के कितने करीबी हैं। तो सांसद बनने का मतलब ये नहीं कि आप इतना राक्षस बनकर लड़कियों का अत्याचार करें, लड़कियों पर आप जो भी करिए गलत है, और इस का जो है समाज भी माफ नहीं करेगा और सरकार भी नहीं माफ करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस ऐसा कुछ नहीं करेगी। पुलिस पूरी तरीके से अरेस्ट किया है और पुलिस अभी हमारे साथ आई है। माता जी का बयान है। माता जी का बयान है, वो आज मुख्यमंत्री से मिलने गई हैं, वो सारी बात को रखेंगी, वो आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ ही गई हैं और सारी बात अपनी रखेंगी, जैसा होगा पूरी उचित कार्रवाई की जाएगी। के लिए हम सबको दुख है, उन दरिंदों और हैवानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के अंदर ही बोला, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की जा रही है, और हम आप सभी लोग मीडिया वालों से अनुरोध करेंगे, आप भी इसकी लड़ाई लड़िए, मजबूती के साथ खड़े होइए, जिससे भविष्य में ऐसे दरिंदों को दरिंदगी करने से पहले 5-20 बार सोचें कि हमारे खिलाफ पूरा समाज है, सारे समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि सब लोग इस बेटी के साथ खड़े हो जाइए। उनका अपना सोच है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं जो गलत है वो गलत है, जो पापी है वो पापी है। अयोध्या की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी को जानकारी है कि जिस तरीके से पिछले दिनों में अयोध्या के भदरसा नगर पंचायत के अंदर एक 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना होती है, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि अवधेश प्रसाद यादव के संरक्षण में जो मोहित खान जो मामले का मुख्य आरोपी है, वो लंबे समय से उस छात्रा के साथ रेप की घटना, ऐसे स्थानीय लोगों के जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है। जिस प्रकार से पूरे मामले के अंदर यानी 30 घंटे तक पुलिस प्रशासन के द्वारा FIR दर्ज नहीं करी गई, जिस प्रकार से FIR दर्ज करने के 2 दिन के बाद मामले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है, ये बेहद चिंताजनक है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस प्रकार से स्थानीय जो चौकी इंचार्ज और वहाँ के SHO हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया गया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर जाकर उस बेबस परिवार से मिला है, हमने उस परिवार की व्यवस्था को देखा है, जिस प्रकार से वहाँ के स्थानीय लोगों की बर्बरता है, ये उस परिवार से मिलने पर स्पष्ट दर्शाता है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से मामले के मुख्य आरोपी का नाम निकालने को लेकर वहाँ के SHO और चौकी इंचार्ज के द्वारा दबाव बनाया गया परिवार के ऊपर, मैं पूरे मामले के अंदर पुलिस प्रशासन से यह आह्वान करना चाहता हूँ, यह चेतावनी देना चाहता हूँ, ये मांग करता हूँ कि उस चौकी इंचार्ज को और SHO को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जिस प्रकार से बहन बेटियों के सम्मान के साथ समझौता
नहीं करने का आग्रह है, लेकिन फिर भी इस तरीके की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, बहुत ही चिंताजनक है। विद्यार्थी परिषद की स्पष्ट मांग है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों पर फांसी की कार्रवाई की जाए। जो मामले का मुख्य आरोपी है उसके फोटोग्राफ्स, बहुत सारे ऐसे प्रमाण एक तथाकथित दल के नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। स्थानीय जो अयोध्या सांसद हैं उसके द्वारा उसके पारिवारिक संबंध बताए जाते हैं, उनके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। ऐसी घटना वहां पर जब मामले पर स्थानीय स्तर पर हम लोग जाते हैं तो ध्यान में आता है, तो किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि के संरक्षण में उसके ही क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ये मुझे लग रहा है कि बेहद चिंताजनक है। और जिस प्रकार से स्थानीय सांसद के द्वारा जब मीडिया बंधुओं के द्वारा सवाल पूछा जाता तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी ही नहीं है, मुझे मैं जब तक जानकारी नहीं होती मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि उस क्षेत्र के सांसद हैं, अगर उनको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी ही नहीं है, ऐसी जघन्य घटनाओं पर वो अपना मुंह खोना पसंद करते हैं, तो उनको अपने दायित्व से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने अभी यहाँ के अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद यादव का पुतला फूंका है। हमारी स्पष्ट मांग है, हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और उस ज्ञापन के माध्यम से हमने यह मांग करी है कि इस मामले के अंदर लिपापोती करने वाले संपूर्ण पुलिस प्रशासन के अंदर कठोरतम कार्रवाई हो और जिस प्रकार से ऐसी जघन्य घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर मोहित खान जो मामले का मुख्य आरोपी है और उसके अन्य सहयोगियों को हमने ये मांग करी है कि मामले के मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाए, जिससे दोबारा ऐसी प्रकार की घटनाएं समाज के अंदर ना हो। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि इस मामले के अंदर अपना बयान प्रस्तुत नहीं किया, इस मामले के अंदर किसी ने भी कोई भी परिवार के साथ जाकर एक सांत्वना देने का काम नहीं किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर संपूर्ण जनमानस को मैं आह्वान भी करता हूँ कि सबको साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि वह बिन बाप की बेटी है और वो जो बिन बाप की बेटी है वो सभी अयोध्यावासियों को उसका पिता बनकर उसका भाई बनकर इस न्याय की लड़ाई में सामने आना चाहिए। हमारी स्पष्ट, हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से हम प्रशासन से मांग करते हैं कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों पर फांसी की सजा सुनाई जाए। और हमारी दूसरी मांग यह है कि जिस प्रकार से वहाँ के चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष के द्वारा मामले की लिपापोती करने का प्रयास किया गया, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। ये पुलिस प्रशासन को मुझे लग रहा है कि अपनी जो न्याय की बात और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश सरकार की है, तो उनको यह तय करना चाहिए। और स्थानीय स्तर पर जाकर जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कल बदरसा जाते हैं तो वहाँ ध्यान में भी आता है कि बहुत सारी अवैध संपत्तियाँ हैं जो मुख्य आरोपी के द्वारा वहाँ पर बताई जाती है। क्या नाम आपका? सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।